बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन आज भी राहत नहीं दे रहा है। एक्यूआई लेवल 500 के पास बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर, दिल्ली में राहत की खबर फिलहाल नहीं आने वाली है। 3 जजों की बेंच प्रदूषण पर आज सुनवाई करेगी। आज भी दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हालात में बना हुआ है। ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां एक्यूआई 450 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जज जस्टिस सूर्यकांत शामिल होंगे। शीर्ष अदालत की सुनवाई में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है एक्यूआई लेवल 500 के आसपास हर इलाके में, और ऐसे में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जहरीली हवा लोगों की सांस पहुंच रही है, और ऐसे में इसीलिए कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप घर से ना निकले। दिल्ली एनसीआर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। बच्चे बुजुर्गों के लिए ये दौर बेहद खतरनाक। हमारे सहयोगी राहुल डवास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से ज्यादा बना हुआ है, जबकि नोएडा की बात करें 772 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम की भी यही स्थिति है। हालांकि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण है दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण, उसके बाद पराली। इस वक्त हम आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं। हालांकि यहां पर जो वॉलंटियर हैं वो लगातार खड़े हुए हैं, और उनके पास तख्ती भी है कि अगर आप रेड लाइट पर रुकते हैं तो अपना इंजन बंद कर दीजिए। लेकिन कमोबेश दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, सोनीपत को जोड़ दीजिए तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। विजिबिलिटी हालांकि कल से बेहतर है, सूरज साफ चमक रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से ज़्यादा होने का अर्थ ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको 21-22 सिगरेट इनहेल जितना प्रदूषण सहन करना पड़ेगा। और दिल्ली की हालत आने वाले कई दिनों तक बरकरार रहेगी, क्योंकि हवा की गति अभी भी 7-8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। तापमान 14-15 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी लेवल अभी भी 78% के आसपास बना हुआ है, नमी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि दिल्ली के ऊपर एक ऐसा एयर डोम बन गया है जिससे पॉल्यूटिंग पार्टिकल 2.5, 5 और 10 PM10 तक ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और जो हवा आ रही है वो भी हरियाणा पंजाब से आ रही है। दिल्ली के वाहनों का प्रदूषण 50%, हरियाणा पंजाब से पराली जलाने वाला प्रदूषण 26 से लेकर 40%। यही वजह है कि दिल्ली और दिल्ली के साथ NCR का क्षेत्र, क्योंकि NCR में तो 13 से ज़्यादा कोल पावर प्लांट भी चलते हैं, दिल्ली की आबोहवा को बेहद प्रदूषित श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। और बीते हफ्ते भर से ज़्यादा समय से ऐसे ही हालात हैं, आंखों में जलन है और सांस लेने में दिक्कत। रोजलिस जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।